हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मेरे पास है यामाहा ऑरॉक्स और मैं इसको रिपेयर करने आया था कहीं सोसाइटी में, लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई यहाँ पे। और गाड़ी खड़ी थी रात में, सुबह स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी, रात में बराबर चालू थी। तो अभी सेल्फ मार के दिखाते हैं आपको कि गाड़ी सेल्फ ले रही है कि नहीं। सेल्फ तो ले रही है गाड़ी, स्क्रू खोलो दोनों। सेल्फ तो लग रहा है गाड़ी का, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ वहाँ पे। तो मैं दुकान पे लेके आ गया इसको और पूरी गाड़ी खोल लिया। और मुझे जहाँ तक पता है इसका चूहा वायर काटा होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि रात में गाड़ी चालू थी तो ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं रहेगा इसमें। तो अभी इसका बैटरी का वायर वगैरह खोलते हैं, और क्योंकि डिग्गी निकालने के लिए बैटरी का वायर वगैरह सब खोलना पड़ता है। और अंदर कचरा देख के ही समझ में आ जा रहा है कि पक्का चूहा काम बढ़ा दिया इसका। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं कौन सा वायर कटा है और उसको सही करते हैं। और हमने डिग्गी खोला तो देखा इंजेक्टर का वायर कटा हुआ है। तो इसका इंजेक्टर का वायर कटा हुआ था, तो अभी और भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि इंजेक्टर के वायर से नहीं जज कर सकते। तो अभी इसका आगे का जो जहाँ पैर रखते हो, मेटिंग फ्लोरिंग जो भी बोलते हैं, वो भी खोलेंगे और उसके अंदर भी चेक करेंगे वायर कटा है कि नहीं। अभी इसका एक ही वायर दिख रहा है कटा हुआ और अंदर कचरे बहुत हैं, तो उसको भी साफ़ कर लेंगे। और इधर का जो अपना वायरिंग है, नीचे पैर के नीचे वायरिंग रहती है, वो भी चेक करेंगे। और कैसे खोलना रहता है वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और ये चालू हो गया हमारा खोलने का प्रोसेस, और खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे सीधा। यहाँ पे हमारी गाड़ी तो चालू हो जाती है, लेकिन उसमें चेक लाइट आ रहा था। तो इसमें चेक लाइट आ रहा था इंजेक्टर सर्किट का, तो उसका वायर प्रॉपर हम जोड़ दिए थे, तो उसको रिसेट कर देते हैं। और अभी भी गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, लेकिन गाड़ी मिसिंग बहुत ज़्यादा मार रही थी। तो इसका इग्निशन कॉइल का जो वायर होता है वो टूट गया था। गाड़ी चालू करना, तो गाड़ी तो हमारी स्टार्ट हो गई लेकिन मिसिंग बहुत कर रही थी। तो इसमें देखें, जैसे कि ST कॉइल जो होता है उसका वायर जैसे पकड़े थोड़ा सा तुरंत टूट गया, तो इसकी वजह से मिसिंग मार रही थी गाड़ी, करंट छोड़ रही थी। तो उसके लिए ST कॉइल चेंज करना सेंस नहीं बनता, हम उसका वायर जो है उसको सोल्डिंग, तो इसका ST कॉइल का जो वायर है हम सोल्डिंग करवा देंगे। और सोल्डिंग करवाते हैं उसके बाद देखते हैं मिसिंग प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। तो अभी हमारा इग्निशन कॉइल सोल्डिंग हो गया है, और इसका जगह थोड़ा सा बेकार है, इसकी वजह से ये ख़राब होता है, उसका पानी जाता है पूरा। तो अभी ये सब देखते हैं और उसके बाद देखते हैं मिसिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, और मिलते हैं सीधा आगे आपको। तो यही था आज के वीडियो में। अगर तो आपकी भी यामाहा ऑरॉक्स है और ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप भी वायरिंग चेक करवा लीजिए एक बार। बाकी और किसी टॉपिक पे मिलेंगे। बाय बाय।